प्रदेश की अनाज मंडियों में आज से धान की फसल की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में रोष। बड़ी संख्या में करनाल की अनाज मंडी में किसान हुए एकजुट, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। किसानों ने कहा, अगर आज शाम तक किसानों की फसल को सरकार द्वारा खरीदा नहीं गया तो कल बीजेपी सांसद विधायकों के घर के बाहर जाकर फसलों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्राली ले जाकर खड़ा कर देंगे। सरकार को आज ही फैसला लेना होगा वापस। प्रदेश की मंडियों में आज 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, जिसके बाद किसानों में काफ़ी रोष बना हुआ है। आज सुबह से ही करनाल की अनाज मंडी के बाहर बड़ी संख्या में किसान अपने धान से भरी हुई फसल की ट्रैक्टर ट्रालियों को लेकर पहुंचना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं होने में उनमें काफ़ी निराशा बनी हुई है। सरकार के निर्देश के बाद कल शाम से ही किसान नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी थी और सरकार के फैसले का विरोध करने का आह्वान का फैसला लिया गया था, जिसको लेकर आज करनाल की अनाज मंडी में बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गौरतलब है, कल देर शाम केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सरकारी खरीद को 11 अक्टूबर से खरीदने के निर्देश दिए गए थे। बरसात के कारण धान में नमी की मात्रा अधिक होने का हवाला दिया गया, जिसके बाद किसान काफी गुस्से में हैं। आज सुबह से ही करनाल के अनाज मंडियों में बड़ी संख्या में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि मंडी प्रशासन की ओर से किसानों के गेट पास जरूर कट रहे हैं, लेकिन फसल की खरीद 11 अक्टूबर में की जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, जब सरकार में 11 अक्टूबर से किसानों की फसल की खरीद शुरू करनी थी, पहले से इस तरह के निर्देश जारी क्यों नहीं किए? किसान काफी गुस्से में हैं, आज ही बड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया जाएगा। परेशानी बहुत है, जमींदार ने फसल पकी खड़ी खेत में बिल्कुल तैयार खड़ी, अगर 11 से लेंगे तो सारी खराब हो जाएगी, नीचे बीमारी आ रही फसल में, सारी 2-3 दिन में सब खराब हो जाएगी फसल। अच्छी तरीके से कहा गया था, 25 से भी नहीं हुई, उसके बाद 1 से होनी थी, अब 1 से भी नहीं हुई, बताओ क्या करें, अपना घेर के चले जाएंगे आज, जो कुछ होगा। परेशानी है, सारी ही परेशानी है, एक भी सुविधा नहीं है, सारी ही परेशानी परेशानी है। हम तो ये कह रहे भाई, देखो जमींदार की फसल टाइम से बिके, हर चीज़ टाइम पे हो, अगली फसल टाइम पे होगी, नहीं तो जमींदार तो मारे गया, जमी कती, बस समस्या ही समस्या होती जा रही हर साल। ये पता क्या है, तो लोगों ने खेती करना छटवाए इन जमींदारों पर, हर ही ने सड़क पर बैठना पड़ेगा, हर का जमींदारों ने खेती छोड़नी पड़ेगी, ये भी भूखे मरेंगे, जमींदार भी मरेंगे। देखिए, जो धान खरीदा स्टार्ट होनी थी वो स्टार्ट नहीं, रात एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया सरकार ने 11 तारीख का, जबकि लोगों ने आज का इंतजार करका कल भारी संख्या में अपनी फसल कटवाई, मंडी में भी भारी संख्या में फसल आ रही, लोगों के घरों में भी ट्रालियां भरी खड़ी, पर सरकार जमीन कमी हो रही, कुछ तो है हमारी फसल, पहली तेले की बीमारी ने मार दी, 35% फसल रहती खुंदी न सरकार ने मार दी, रात गुरनाम सिंह चढ़ूनी की वीडियो जारी होगी थी, आज बोलनी स्टार्ट हुआ ठीक है, वरना कल जीरी की ट्रैलियाँ इनके बीजेपी के और जजपा के जितने MLA MP यहाँ तैयार रहे, कल थारी कोठियों में हम ट्रैलियों के डाले खोल रहे हैं। सर, हमें आपसे पता लगा है कि 11 तारीख को अभी खरीद होनी है, हम तो ये फसल इसलिए कटवा के लाए, अभी आज 1 तारीख को खरीद होनी थी, पहले तारीख आई थी 25 तारीख को, भाई 25 तारीख को खरीद होएगी, चलो हमने वेट किया भाई, चलो 1 तारीख को कटवा लेंगे हम फसल, अब ये आज कल फसल कटवाई है, आज पता लग रहा है 11 तारीख को, ऊपर से मौसम ने पहले भी फसलें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है, अभी भी संडे की बारिश बता रखी है, सोमवार को इस फसल को बता खेत में खड़े करके रखेंगे अभी इतने दिन तक, 11 तारीख तक खड़े करके रखेंगे, नुकसान भी हो सकता है। देखो, पहले इन्होंने 25 तारीख का खरीद का बोल रखा था, उसके बाद इन्होंने 1 तारीख का बोल दिया, हमने बोला चलो कोई बात नहीं 1 तारीख को शुरू कर देना, पर जब किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर आ चुका हजारों के हिसाब से ट्रालियाँ, इन्होंने कल एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया कि जो फसल की खरीद है वो 11 तारीख होगी, जो ये जीरी की फसल है ऐसी फसल है ये एक दिन के लिए भी हम मंडी में नहीं, पर अब इन्होंने बाजरा है उसको MSP से हटा दिया, ये भी MSP से भागना चाहते हैं, इनको पता है 10 दिन में सारी जीरी बिकलेगी और जो प्राइवेट हाथों में लुट लेगी। अब क्या फैसला लिया जाएगा? अब फैसला ये लिया जाएगा, इस मंडी को ताला लगाया जाएगा, और कल को प्रधान जी गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी ने एक वीडियो शाम को जारी कर दी थी, कल 2 अक्टूबर जितने MLA MP हैं उनके घरों के जो ड्राइंग रूम है ना, जहाँ घूमने वाली कुर्सी पे बैठते हैं, वहाँ दान होगा किसान का, और जितनी कंबाइन और ट्रैक्टर हमारे पास होगी वो उनके घर के आगे होंगी। ये सरकार ये मत सोच ले कि अपने किसान को लूटने देगा किसान, इनकी दौड़ पे गोड्डा तर के अपने हक लेंगे, ये बात याद रखें।